Yes, am I audible and visible? Yes. ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ओके ग्रेट, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमें आके ज्वाइन कर सकें। मुस्कान जी, बच्चे प्रॉमिस करके पलट सकते हैं और हम बोल भी नहीं सकते हैं, इतनी नाइंसाफी क्यों? अनिष्का, मे भी कुछ इश्यू हो गया होगा यूट्यूब की तरफ से, इसीलिए वो हिडन है। एक्चुअल में क्या होता है ना, हम कभी कभी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डालते हैं, जैसे टीचिंग पाठशाला पे भी कुछ एक आध वीडियो प्राइवेट है, वो प्राइवेट हमने जानबूझ के नहीं किया है। यूट्यूब के कुछ मतलब यूट्यूब चैनल पे जो चीज़ें जाती है ना, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। क्या होता है कि हम एक साथ बहुत सी चीज़ें मतलब लेक्चर में बता रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, तो क्योंकि YouTube की अपनी गाइडलाइंस हैं, तो कभी कभी किसी वीडियो में ना उस गाइडलाइंस का जो है उल्लंघन हो जाता है अनजाने में ही। ऑब्वियसली कोई चाहेगा नहीं कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ फिर मुझे उसे प्राइवेट करना पड़े, क्योंकि प्राइवेट करने से क्या होगा वो वीडियो आप लोग के लिए बनाए, आप लोग के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो प्राइवेट करने से कुछ फायदा नहीं है। प्राइवेट मजबूरी में आके करना पड़ता है, या तो खुद करना पड़ता है या तो YouTube कर देता है। उसके दो ही ऑप्शन होते हैं कि ऐसा ऐसा आपके वीडियो में टर्म्स एंड कंडीशन को जो है माना नहीं गया है, या तो आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए या प्राइवेट कर दीजिए, या YouTube खुद उस वीडियो को हटा देगा। ये तीन कंडीशन होते हैं, ठीक है? उसी तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 3 का वीडियो सेम हुआ था, उसमें पता नहीं कैसे मैंने एक बुक की इमेज ली थी, जबकि मैं जनरली बुक्स की इमेज लेके पढ़ाती हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या इशू हुआ था, वो वीडियो जो है मुझे यूट्यूब ने रिमूव करने के लिए मेरे पास एक मेल आया, जिसकी वजह से मुझे उस वीडियो को प्राइवेट कर देना पड़ा, ठीक है? तो ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कभी कभी समझ में नहीं आता है। सेम वीडियो दोबारा अपलोड करो सब ठीक रहता है, पहली बार अपलोड किया तो यूट्यूब कैसे नोटिफिकेशन चलाता है, तो कुछ एक आध चीजें होती हैं, मे बी उस वजह से जो है हिडन होगा। ओके क्या बात है, 100 बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया क्लास? हाँ मतलब बच्चे चाहते हैं कि मैं जो है सेशन लेना बंद कर दूं, है ना? डिक्लाइन तरीके से जो है बच्चे ज्वाइन करते हैं, पहली क्लास में सबसे हाईएस्ट, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ठीक है? यानी ये अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ 15 या 16वें क्लास में जो है बच्चे जो बचेंगे वो होंगे 30 या 40। डीटीसी एक्चुअल में उनका एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम, वो जो एल्गोरिदम सेट होता है ना,
वो एल्गोरिदम ऐसे सेट किया गया है कि वो जितने अपलोड्स होते हैं उन सबको मैच कर देता है एक बार में। कोई बंदा बैठ के नहीं मैच कर रहा होता, वैसे तो कितने यूट्यूब चैनल है, कोई बंदा बैठ के नहीं मैच कर रहा होता, वो उनका एल्गोरिदम है जो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। ओके क्या बेनिफिशियल है बताइए, सेशन बेनिफिशियल होता तो बच्चे ज्वाइन करते हैं ना। दिक्कत बहुत बड़ी है, कभी कभी समझ में नहीं आता कि करें क्या। ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं दिसंबर में थोड़ा सेशन का टाइम चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ, सो व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट, मतलब अगर मैं टाइम चेंज करूँ तो कौन सा टाइम। ये 7 बजे का टाइम ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मतलब मेरे लिए, मुझे डिनर वगैरह भी प्रिपेयर करना होता है तो बहुत चैलेंजिंग वाला हो जाता है। ठीक है, और इतनी मल्टी टास्किंग नहीं हूँ मैं। यस, तो कोई और अगर टाइम हो तो आप क्या मुझे बता सकते हैं, कोई और सूटेबल टाइम आप सबके लिए। PM, अच्छा दोपहर में सब लोग अवेलेबल हैं 2 या 3 बजे के करीब। हाँ 2 या 3 बजे के करीब क्या चलेगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं कहीं और भी कुछ मेरा काम चल रहा है तो मुझे ना क्लास 8 बजे खत्म होती है, मुझे फिर उस काम को देखने के लिए भागना पड़ता है, मैं 9 बजे तक रिटर्न आती हूँ, फिर मैं 9 बजे के बाद डिनर प्रिपेयर करना शुरू करती हूँ, चीजें बहुत हेक्टिक हो जा रही हैं। तो अभी तो समहाउ 1 हफ्ते मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन इसको ना कैरी फॉरवर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं आप लोगों से बात करूं और देखूं कि कौन से टाइम की अवेलेबिलिटी आप लोगों के लिए बेटर होगी। सुबह सुबह मत बोलो भाई, थोड़ा ठंडी का मौसम चल रहा है। ठीक है, सुबह सुबह मैं थोड़ा सा अपने खुद का पढ़ने वाला काम करती हूँ। 3 या 4 बजे, 3 3 5 3 5 3 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
ठीक है, 3 बजे रख लेते हैं, मेरे लिए कोई इशू भी नहीं है। दोपहर की, दोपहर में ही खत्म हो जाएगा, शाम तक फिर टाइम ऐसा बच जाएगा कि मतलब बहुत से काम हो भी पाएंगे। और एक कल काफी एक अच्छी न्यूज़ जो है आप लोगों के लिए आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, काफी सारे बच्चे मुझे ड्रोसोफिला का रिक्वेस्ट कर रहे थे क्वेश्चन करवाने के लिए, तो पूरा ड्रोसोफिला तो कंप्लीट करवाना पॉसिबल नहीं है। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ड्रोसोफिला का एक्सेस डेवलपमेंट का रिविजन करवा दूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसके एक्सेस डेवलपमेंट से आते हैं, तो चलेगा कल हम 3 बजे? ठीक है, मैं अभी तक मैंने क्लास शेड्यूल नहीं किया है, मैं शेड्यूल कर देती हूँ। कल 3 बजे हम ड्रोसोफिला का एक्सेस डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और जितने क्वेश्चन आए हैं उतने क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। फाइन, जी कौन सी गुड न्यूज़ है? अरे वेट कीजिए जी, कुछ 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 चीजों का इंतजार करने में मजा है ना। आई स्पेसिफिकेशन मम्पी, उसका मैं रिवीजन ही करवाने वाली हूँ, उसको मैं डिटेल कोर्स में करवाऊंगी 2024 के। यहाँ पे कल मैं ड्रोसोफिला करवाऊंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल के बाद जो है मैं या तो इकोलॉजी या तो प्लांट, इन दोनों में से किसी एक का रिवीजन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, साथ साथ क्लास करके मैं डिवाइड कर रही हूँ, ताकि जितने यूनिट्स मैं डील करती हूँ ना, उन सभी यूनिट्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको मैं रिवाइज करवा सकूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं खाली डब्बा में लगी रही तो मैं बाकी यूनिट्स जो है मेरे से लीव हो जाएंगी फॉर श्योर, क्योंकि आपके एग्जाम में भी जो है हार्डली और 2 से 3 हफ्ते, 2 हफ्ते 20 दिन आप ले लीजिए हार्डली। ठीक है, 20 से 25 दिन का फर्क है, तो उतने में मैक्स टू मैक्स मेरे पास जितने यूनिट में डील कराती हूँ सभी यूनिट के फिर रिविजन ही हो पाएंगे अगर मैं इसको वो नहीं करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि परसों से जो है मैं प्लांट या इकोलॉजी दोनों में से किसी एक यूनिट को शुरू करूँ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करूँ। इकोलॉजी करवाऊँ? ठीक है, तो इकोलॉजी शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके।
चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है लेक्चर नंबर 6 रिवीजन रीलोडेड का। अभी तक हम 5 सेशन कर चुके हैं। अगर आपसे किसी भी वजह से लेक्चर लाइव मिस हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा और अच्छे से सुनिएगा। बहुत से बच्चे जो हैं बाद में सवाल पूछते हैं और वो सवाल का जवाब उसी रिकॉर्डिंग में है, यानी उसी वीडियो में है, आप सुनते नहीं है इसलिए वो सवाल बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो सेशन है इसमें हम पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन इन सीआरचिन देखने वाले हैं। कल हमने फर्टिलाइजेशन देखा था, कल मैंने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि मैं आज जो है इन दोनों का कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगी, यानी लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 का कंबाइंड पीडीएफ जो है आप लोग के लिए मैं अवेलेबल कर दूंगी। ठीक है, इसलिए मैं कल नहीं दे पाई। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। अब सबका ध्यान यहाँ पे, ठीक है। ओके, कल हमने फर्टिलाइजेशन कर लिया था। उम्मीद करती हूँ सबको सारी चीजें याद होंगी, क्वेश्चन आंसर भी किए थे, मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम आज से जो आपका 4 से 5 साल पुराना एक वीडियो है जिसमें आपने सीआरचिन एक्सप्लेन किया है, उसमें आपने इस क्वेश्चन का आंसर 1 बताया। ठीक है, आई एग्री, मैंने उसका आंसर मे बी 1 बताया होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त आज से 4 से 5 साल पहले जब मैंने वो वीडियो बनाया तो उस वक्त पे जो गिलबर्ट का एडिशन अवेलेबल था वो था 7th edition / 8th edition, कुछ ऐसा ही एडिशन था। ठीक है, 6th और 7th ऐसे कुछ एडिशन है। आज भी उस एडिशन को आप उठा के देखोगे तो जो पहले वाले ऑप्शन में जो मेथड है ना, सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस वहां पे दे के रखा है। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है 12th edition, उसमें इस सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया है, उसमें इस सीक्वेंस को ये कर दिया गया है। इसीलिए जैसे मैं कहती हूं हमेशा कि आपको लेटेस्ट एडिशन से पढ़ना है, तो क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में इस सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया है, हेंस हमें भी उसे चेंज करना पड़ा है, हमें भी चेंज करके पढ़ना पड़ा है। इसीलिए लेटेस्ट मतलब कि एडिशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 2nd है, ना कि 1st। होपफुली ये चीजें क्लियर हो गई होंगी जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि मैम आज से 4 या 5 साल पहले वाले वीडियो में ऐसा ऐसा है। मैं कोशिश करूंगी कि उसे कमेंट सेक्शन में मैं रेक्टिफिकेशन कर दूं कि ओवरऑल केस चल क्या रहा है। कल किसी बच्चे ने भी कमेंट करके ये बात मुझसे क्लैरिफाई की थी, ठीक है, मेल भी आया था किसी बच्चे का। ओके, उम्मीद करती हूँ मैंने लाइव में भी क्लैरिफिकेशन दे दिया तो आइडिया हो गया। चलो, पॉलीस्पर्मी क्या होती है? हाँ जी, सीआरचिन की ही बात कर रहे हैं, वो जो कल हमने देखा था ना, बॉल टाइप का ऑर्गेनिज्म, कांटे कांटे लगे हुए हैं बॉडी पे, दैट इज जो कि फाइलम इकाइनोडर्माटा से बिलोंग करता है, जिसे हम सीआरचिन कहते हैं। तो उसमें पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन को हम पढ़ रहे हैं। एनी आइडिया व्हाट इज पॉलीस्पर्मी? यस, व्हाट इज पॉलीस्पर्मी? पॉली मीन्स व्हाट? पॉली मीन्स मल्टीपल, राइट? स्पर्मी यानी मल्टीपल स्पर्म की कहानी हो रही है। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मल केस क्या होता है? नॉर्मल केस होता है 1 egg + 1 sperm, ये होता है नॉर्मल। बट पॉलीस्पर्मी क्या होता है? पॉलीस्पर्मी में 1 egg + multiple sperm होता है, यानी एक स्पर्म से मल्टीपल स्पर्म आके बाइंड कर जाते हैं। मतलब मान लीजिए दिस इज अ एग, तो यहाँ पे मल्टीपल स्पर्म जो है बाइंड करने की कोशिश करते हैं, या फिर कह लो कि बाइंड कर जाते हैं। दिस इज अ स्पर्म एग, इसको हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। लेकिन हम कहते हैं कि पॉलीस्पर्मी नहीं होना चाहिए। क्यों? एनी आइडिया पॉलीस्पर्मी क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज दिस इज अ लेथल कंडीशन, एक लेथल कंडीशन है। क्योंकि आगे चल के जब सेल डिवाइड करेंगे, क्रोमोसोम जब डिवाइड होगा, तो मान लीजिए मल्टीपल स्पर्म आया है, राइट? तो क्या होता है, हाफ जेनेटिक मटेरियल फादर से आता है, हाफ मदर से आता है। अब यहां पे अगर 2 sperm आ जाता है तो फिर तो ये जेनेटिक मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द लेथल कंडीशन। इसीलिए पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि नेचुरली ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे काम करती है कि मल्टीपल स्पर्म से बाइंडिंग रोक दी जाती है। मुझे, अच्छा मैं एक बहुत ही फुलिश टाइप का सवाल पूछ रही हूँ। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पिछले 5 साल से जब मैं बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, ये सवाल बच्चे मुझसे पूछते हैं, इसलिए आप मुझसे पूछे उससे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ। ये जो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन है ये कब देखा जाएगा?
फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद में, क्या लगता है? हाँ जी, फर्टिलाइजेशन से पहले देखा जाएगा या फर्टिलाइजेशन से बाद में देखा जाएगा? पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन, और मैं यहां बात कर रही हूं कौन से फर्टिलाइजेशन की, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात कर रही हूं मैं। पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन बाद में देखा जाएगा या पहले, बताओ। गिने चुने बच्चों ने जवाब दिया है सही, यानी ये जो मेरा सवाल था वो बेवकूफी भरा नहीं था, मैंने अच्छा किया सवाल पूछ के, वरना आपके दिमाग में तो ये कंफ्यूजन अटका ही रह जाता। भाई एक बात बताइए, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन यानी मल्टीपल स्पर्म की एंट्री कब रोकी जाएगी? जब एक भी स्पर्म एग से आकर नहीं फ्यूज हुआ है, तब तक तो सारे स्पर्म को इक्वल कैपेबिलिटी मिली है कि भाई तुम में से जो तेज है, जो फास्टली पहुंच सकता है एग के पास, वो जाओ और एग को फ्यूज कर दो। उससे पहले आप खुद सोचिए ना, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन तब होता है जब डिजायरेबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी डिजायरेबल स्पर्म जब एग से फ्यूज कर जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब इसके बाद रोका जाएगा, राइट? अगर उससे पहले रोक दिया जाएगा तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि डिजायरेबल स्पर्म जो है उसको मत रोको, बाकी सारे स्पर्म को रोक दो? ऐसा नहीं होता ना। तो ये एक इवेंट ऐसा है जो डिजायरेबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन जो बोल रहे हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन? हाँ जी, यानी जो हीरो स्पर्म है, ठीक है, वो अपने टारगेट एग से जाकर कंबाइन हो चुका है, फ्यूज हो चुका है, यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका है। उसी फर्टिलाइज एग से अब जाके आगे चल के जो है एक इंडिविजुअल यानी एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो जब वो डिजायरेबल स्पर्म आके एग से बाइंड हो चुका है, अब उस कंडीशन में क्या चाहिए, क्योंकि पीछे और भी तो स्पर्म आ रहे हैं, या मे बी उस जो स्पर्म एग के साथ फ्यूज किया उसके जस्ट बगल में कोई और भी स्पर्म हो जो कि कोशिश कर रहा हो कि हाँ मुझे मौका मिल जाए, मैं एग के अंदर एंट्री ले लूं। तो जब डिजायरेबल स्पर्म अंदर एंट्री ले चुका है, बाकी स्पर्म को कैसे हटाया जाए, बाकी स्पर्म से एग का फ्यूजन कैसे रोका जाए? क्योंकि जिस तरीके से एग ने डिजायरेबल स्पर्म को वेलकम कर लिया, वैसे ही वो बाकी स्पर्म को भी तो वेलकम कर सकता है, राइट? यही चीज कहलाती है पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन, दैट वी आर प्रिवेंटिंग द अटैचमेंट ऑफ मल्टीपल स्पर्म ऑन एग मेम्ब्रेन। समझ में आ रही है ये बात सभी को? कहीं पे भी ये आंसर मत दीजिएगा, वरना लोग यही बोलेगा या कोई भी सुनेगा तो ये बोलेगा कि भाई पढ़ा क्या है फिर, जब ऐसे आंसर दे रहे हो तो, ठीक है? तो पॉलीस्पर्मी डिजायरेबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्रिवेंट की जाती है, वरना शुरुआत में तो मल्टीपल स्पर्म आते हैं और वो एग को टारगेट बनाते हैं, उनमें से जो हीरो स्पर्म होता है वही जीतता है, यानी जो कैपेबल स्पर्म होता है वही जीतता है और वो जाके एग को फर्टिलाइज कर जाता है, ठीक है? क्लियर हो गया होगा उम्मीद करती हूं। ओके, अब ये जो पॉलीस्पर्मी है इसके केस से देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि यहां मेंशन है, द पॉलीस्पर्मी रिजल्ट व्हेन टू और मोर स्पर्म फर्टिलाइज्ड एन एग, इट इज यूजुअली लेथल सिंस इट रिजल्ट इन अ ब्लास्टोमियर विद डिफरेंट नंबर एंड द टाइप ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज नॉट एट ऑल नॉर्मल, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव, ठीक है? यानी पॉलीस्पर्मी को होने ना देना। अब ये जो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन है, ये एक्चुअल में दो तरीके से हो सकती है, ठीक है? पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप होता है दैट इज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का फास्ट ब्लॉक किया जाता है। ये फास्ट ब्लॉक नाम क्यों रखा है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के जस्ट आफ्टर 2 to 3 seconds में ही ये वाला ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जस्ट 2 to 3 seconds ही हुआ है फर्टिलाइजेशन हुए, ये वाला ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, दैट इज फास्ट ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्टिंग। किसी को पता है
कहाँ से कहाँ शिफ्ट होता है? हाँ जी, कहाँ से कहाँ होता है पता है? शिफ्टिंग कितने से कितने में होता है? शिफ्टिंग होता है -70 मिली वोल्ट, एक का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट से, ये शिफ्टिंग होता है +20 मिली वोल्ट पे। ठीक है, अब देखिए, जब +20 मिली वोल्ट पे जाता है ना, तो इसे हम कहते हैं, इस इवेंट को हम बोलते हैं डीपोलराइज होना, यानी एग जो है डीपोलराइज हो गया है। और डीपोलराइज कंडीशन में जो कंडीशन अराइज होता है ना, दैट इज नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि कौन सा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब तो मुझे बता दीजिए, अगर मैं कहती हूं +20 मिली वोल्ट जो कि डीपोलराइजेशन है, यानी पॉजिटिव की तरफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल की शिफ्टिंग हो गई, किसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्टिंग इन एग, राइट। एग में एक का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी शिफ्टिंग हुई है, एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है +20 मिली वोल्ट हो गया, यानी एग जो है डीपोलराइज हो गया। डीपोलराइजेशन के स्टेज पे जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं तो कौन से मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा? हाँ जी, कौन से मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, क्या लगता है? फर्टिलाइजेशन जो सूटेबल होता है, सूटेबल फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की नीड होती है, वो होती है -70 मिली वोल्ट। इतने मिली वोल्ट पे जो है जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है एग का, उस टाइम पे वो स्पर्म के लिए सूटेबल होता है, अटैच आके स्पर्म अटैच करता है और फर्टिलाइज करता है एग को। अगर इससे थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, तो फिर ये फ्यूजन नहीं हो सकता, ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से भी किसी एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट करते हैं, तो आप आराम से फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। या आर्टिफिशियली भी अनफर्टिलाइज एग का अगर आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल +20 मिली वोल्ट कर देते हैं, तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं। उम्मीद करती हूं मैं ये चीज क्लियर कर पा रही हूं आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये होता है डीपोलराइज होने के बाद ये सूटेबल नहीं रहता फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन अब कहानी आती है, क्यों ऐसा, यहां पे क्या हुआ कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इस तरीके से शिफ्ट हो गया? ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब स्पर्म की एंट्री हो रही होती है सूटेबल एग में, उस टाइम पे क्या होता है, देयर इज अ ओपनिंग ऑफ Na प्लस, यानी सोडियम चैनल की जो है ओपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, देर इज अ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन देर इज अ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन चैनल, सोडियम आयन, जिसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है। ठीक है, डीपोलराइज होने का मतलब ही हो गया कि मेम्ब्रेन किस पे चला गया, मेम्ब्रेन चला गया पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, राइट। और जब पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे शिफ्टिंग होगी, तो सीधी सी बात है कि अब ये सूटेबल नहीं रहेगा। तो सोडियम आयन चैनल की ओपनिंग होती है, मेक श्योर सोडियम पोटेशियम पंप की ओपनिंग नहीं हो रही है, सोडियम आयन चैनल यानी Na प्लस की हम बात कर रहे हैं, आयन की बात कर रहे हैं। जो आप सोडियम पोटेशियम पंप देखते हो, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है, वो पंप है, यहाँ पे हम सिर्फ सोडियम चैनल की बात कर रहे हैं। इसकी एंट्री की वजह से क्या होता है, देखिए, पहले से मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव है, जब पॉजिटिवली चार्ज आयन जब अंदर जाएगा, एग के अंदर जाएगा, तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करवाएगा, एंड दैट इज वाई मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाता है। और +20 मिली वोल्ट पे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सूटेबल फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट होना चाहिए। अब ये क्या था, ये था फास्ट ब्लॉक था, क्यों, क्योंकि 2 से 3 सेकेंड्स के अंदर ये एक्टिवेट होता है। लेकिन एक और ब्लॉक भी है इसके साथ, जिसे हम स्लो ब्लॉक कहते हैं। मुझे बताइए कि जब फास्ट ब्लॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो व्हाट इज अ नीड ऑफ स्लो ब्लॉक, किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज अ नीड ऑफ स्लो ब्लॉक?
समीर यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। मैंने सिर्फ इन्फ्लक्स की बात की है, मैंने सिर्फ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन कहा है, मैंने एक बार भी इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन नहीं कहा है। ये जो आप सोडियम आयन की इन्फ्लक्स ले रहे हो और पोटेशियम का इफ्लक्स ले रहे हो, ये कब होता है? सोडियम पोटेशियम पंप में होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पंप एंड चैनल। पंप जहां पे एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस में काम करता है, वहीं पे चैनल जो है पैसिवली काम करते हैं, राइट? यहाँ पे सोडियम का चैनल ओपन हुआ है, सोडियम पोटेशियम पंप नहीं हुआ है। यहाँ पे सोडियम की एंट्री हो रही है, पोटेशियम यहाँ कहीं कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। जिसने भी आई थिंक इसने समीर ने ये क्वेश्चन आई मीन टू से आंसर दिया था, बट ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ओके, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। क्यों नीड होती है? क्योंकि ये जो फास्ट ब्लॉक है, ये एक्चुअल में एक टेम्पररी ब्लॉक होता है। दिस इज अ टेम्पररी ब्लॉक, या आप इसे ट्रांजिएंट ब्लॉक कह सकते हैं। ट्रांजिएंट ब्लॉक यानी कुछ देर का मेहमान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको बहुत लंबे टाइम तक पॉजिटिव पे नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जो आयन्स अंदर इन्फ्लक्स किए हैं वो धीरे धीरे इफ्लक्स करने लगते हैं। और जैसे ही सोडियम आयन अगर वापस बाहर जाने लगा तो क्या होगा? +20 मिलीवोल्ट से वापस से शिफ्टिंग -70 मिलीवोल्ट पे आने लगेगी। अब आप बोलोगे, मैम तब तक क्या स्पर्म क्या करेंगे? अब ऐसा क्यों होता है? देखिए कहानी क्या रहती है कि ये रहा एग, ठीक है, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ये नेगेटिव कर देते हैं। ये रहा हीरो स्पर्म, ठीक है, इसको एक टोपी पहना देते हैं, ये आया एंट्री ले गया, ठीक है। एंट्री लेते ही क्या हुआ? ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। इसके पीछे जो दूसरे स्पॉर्म थे, मैं और कलर से बना देती हूँ, ये क्या हो गए? ये बेचारे दुखी हो गए कि अरे भाई अभी तो हम आए थे एंट्री के लिए, ये क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव चेंज हो गया। अब आपको क्या लगता है, ये तुरंत यहां से चले जाएंगे? नहीं, बहुत से ऐसे स्पॉर्म होते हैं जो इस एरिया में, ठीक है, यहां जो एरिया बना हुआ है ये इस एरिया में अटैच रहते हैं। कुछ ना कुछ स्पॉर्म ऐसा होता है कि जो वहां पे अटैच है। अब खुद सोचिए, ये इतना टेम्पररी ब्लॉक होता है कि ये 20 से 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये रिवर्ट जाने लगता है, यानी 20 से 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये जो ब्लॉक है इसका इफेक्ट खत्म होने लगता है। और इतनी देर भी अगर जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से नेगेटिव में चेंज होगा, ये सारे स्पॉर्म को यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी और क्या हो जाएगा? पॉलीस्पर्मी। बट हमें तो प्रिवेंट करना है ना, हमें पॉलीस्पर्मी करवाना नहीं है, हमें पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करना है। तो क्या किया जाए? ये तो अभी 20 से 40 सेकेंड में ये तो पलटने वाला है, ये अपना सारा काम जो किया है उसको वापस से रिवर्ट में लेके जाने वाला है। तो इसी टाइम पे क्या जरूरी होता है? इसी टाइम पे जरूरी होता है एक परमानेंट ब्लॉक का, जिसे हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक, ठीक है। सेकेंड इज स्लो ब्लॉक, लेकिन ये क्या होता है? ये एक परमानेंट ब्लॉक होता है, ठीक है। इसे हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन भी कहते हैं, या कॉर्टिकल ग्रैन्यूल मीडिएटेड ब्लॉक भी कहते हैं। ये ब्लॉक कब होगा? देखिए, इस ये वाला ब्लॉक और जो फास्ट ब्लॉक है इनके बीच में ओवरलैपिंग टाइम होता है, मतलब कि वो खत्म हो, फास्ट ब्लॉक खत्म हो उससे पहले जो है स्लो ब्लॉक चला आता है। और स्लो ब्लॉक ही इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट में नहीं आता है, ये थोड़ा डिले होके आता है। मतलब 20 से 40 सेकेंड में जैसे ही फास्ट ब्लॉक खत्म होगा उससे पहले ही ये स्लो ब्लॉक यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, अभी ओके
तो ये क्या करेगा, ये लगभग जो है 30 to 60 ले सकते हैं आप, 30 to 60 ले सकते हैं, कुछ बुक में 20 to 40 सेकेंड्स भी मेंशन किया जाता है, इतने टाइम के अंडर में ही, ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हुए 30 to 60 सेकेंड्स हुआ है, इसके अंदर में ही जो है इसका क्या हो जाता है, दैट इज एक्टिवेशन, इसका एक्टिवेशन स्लो ब्लॉक का एक्टिवेशन, ठीक है। इसे हम मैकेनिकल ब्लॉक भी कहते हैं क्योंकि एक तरीके का फाइनल ब्लॉक होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ मैकेनिकल ब्लॉक, ठीक है। इसमें अच्छे खासे अमाउंट में कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होता है, Ca+2 इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट होगा, इससे पीछे नहीं जाया जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एग होता है उसकी मॉर्फोलॉजी में ये बहुत से चेंजेस कर देता है, और ये ऐसे चेंजेस करता है जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, यानी ये पीछे नहीं पलटेंगे। जैसे कि फास्ट ब्लॉक में पीछे पलट दिया गया था, वैसे ही जो स्लो ब्लॉक होगा वो पीछे नहीं आएगा, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, एक बार चेंज हो गया तो मतलब चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो यहाँ पे होता है, लेकिन इसका मैं डिटेल आपको समझाऊंगी ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है। इसको हम सेकेंड स्टेज ब्लॉक भी कहते हैं, जो फास्ट ब्लॉक था उसे फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है, इसे हम सेकेंड स्टेज ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ जो कि फास्ट ब्लॉक के लिए सूटेबल है, समझना चाहेंगे अगर तो, ठीक है। दिस इज फॉर फास्ट ब्लॉक। एक बार क्या आप इस ग्राफ को देखेंगे, क्या बोला गया है इसमें, हाँ जी, एक बार इस ग्राफ की तरफ देखिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या बोला गया है, क्या इस ग्राफ को देख के कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। यस, टाइम ड्यूरेशन कम होता है फास्ट ब्लॉक का, देखिए क्या बोला गया है। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है -70 mV को, ये जो सीधी लाइन जा रही है, ठीक है, ये दिखा रहा है -70 mV को, मतलब कि उस टाइम पे जो एग में मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है -70 mV। इस वक्त पे, इस पॉइंट पे, यानी एट 0 सेकेंड स्पर्म को एड किया गया, स्पर्म के ऐड करते ही, ऐड करने के लगभग 2 से 3 सेकेंड में जो है फास्ट ब्लॉक शुरू हो गया है। और जब फास्ट ब्लॉक शुरू हुआ है तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम, यानी लगभग कुछ 18 सेकेंड के करीब में, ये जो पीक है, ये पीक उठ के कहाँ गई है, यहां पे गई है, देखिए, यानी ये पॉइंट क्या है, ये है +20 mV का। अब आप बोलोगे कैसे पता लगाया, ये रहा 0, ऊपर है +50 है, तो इसके नीचे तो क्या होगा, <50 ही होगा, तो यानी +20 mV होगा। तो देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से ये पीक उठा है, दैट इज अ इंडिकेशन कि एक का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जहां पे इस पॉइंट पे -70 mV था, वो पीक ऊपर की तरफ उठ के गया है, किस पे, +20 mV पे। लेकिन अब देखिए कि +20 mV पे ये कितनी देर के लिए रुका है, ठीक है, यहां से लेकर ये हार्डली यहां तक रुका है। उसके बाद अगर आप ध्यान दें, मतलब इस पॉइंट से ध्यान दें, तो अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट। ये देखिए वापस से थोड़ा नीचे आया, मतलब कि ये आ गया +10 पे लगभग, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये लगभग दिखा रहा है 0 पे। अब ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब कि ये कुछ सेकंड में लगभग, यानी लगभग 80 to 90 सेकंड्स के अंदर अंदर ये वापस से जो है -70 mV पे पहुंच जाएगा। अब इसी टाइम पे जरूरी होता है कि इससे पहले कि ये सारा काम बिगड़े, ये -70 पे वापस आए, उससे पहले हमें फास्ट ब्लॉक शुरू कर देना है। तो फास्ट ब्लॉक की जो कहानी होती है ना, वो लगभग ये जिस पॉइंट पे ये दिख रहा होता है, तो ये 20 से, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कहीं पे भी जो है आपको स्लो ब्लॉक स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है, यानी लगभग 20 सेकेंड्स के बाद फॉर श्योर आपको देखने को मिलेगा कि स्लो ब्लॉक यहां से शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि चीजें खराब हो जाए, स्लो ब्लॉक
एक्शन में आएगा और जो काम फास्ट ब्लॉक ने संभाला था उस काम को वो हैंड ओवर कर लेगा कि हाँ भाई ठीक है, अब तू जा, तू फ्री हो जा, मैंने वो काम संभाल लिया है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये ग्राफ? सभी को समझ में आया? इस ग्राफ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मे बी फ्यूचर में भी बन सकते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चंस, इस बात का ध्यान रखना है। यस, क्लियर? अब जब हम स्लो ब्लॉक के बारे में बात करते हैं ना, तो देखिए याद होगा आपको, कल मैंने एग का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, सी आर्चिन का। हमने ये कहा था कि सी आर्चिन के केस में जो है ये रहा वाइट लाइन, वाइट लाइन मेम्ब्रेन को मैं वीएम लिख रही हूँ, वीएम, ठीक है। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ जो है एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम क्या कह रहे थे, जिसे हम, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, आधा ही बना रही हूँ, दैट इज एग जेली, एग जेली। और अंदर की तरफ मैंने आपको कुछ वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर बताए थे जो कि गोल्जी डिराइव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रैंड, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है उस टाइम पे क्या होता है, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है इट विल गेट फ्यूज्ड विद एग मेम्ब्रेन। ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल होता है ना, ये इस तरीके से देखिए आकर जो है फ्यूज हो जाता है, मतलब मान लीजिए ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है तो ये इस तरीके से जाके एग मेम्ब्रेन से फ्यूज होने लगता है कुछ ऐसे, ठीक है। और फ्यूज होके क्या करता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में क्या स्टोर थे, कल बताया था आपको कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में क्या स्टोर थे, हाँ जी, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में स्टोर थे एंजाइम, कौन से एंजाइम, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो कि प्रोटीन को क्लीव कर सकते हैं। तो जब ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल यहां से फ्यूज होते हैं ना, तो ये अपना कंटेंट जो है यहां पर रिलीज कर देते हैं ये, और ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है सेल मेम्ब्रेन एंड वाइट लाइन मेम्ब्रेन के बीच का एरिया। तो ये जो स्पेस अवेलेबल है, ये जो स्पेस अवेलेबल है, वैसे तो ये सबके सब डबल मेम्ब्रेन की तरह शो होने चाहिए बट मैंने यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू ही शो करके रखा है। ये जो स्पेस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और वाइट लाइन मेम्ब्रेन के बीच में, इस स्पेस में जो है जो भी इसके अंदर एंजाइम स्टोर होते हैं या इसके जो कंटेंट स्टोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो एंजाइम है, दैट इज एंजाइम्स गेट रिलीज्ड, ठीक है। यस, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को क्लीव करने वाले एंजाइम्स होते हैं, ये सब इनका क्या होता है, इनका नेचर होता है। अब ये जो एंजाइम होते हैं इनमें से क्या होता है, इनमें से स्पेसिफिकली सेरीन प्रोटीएज़ होते हैं जिनका काम क्या होता है, देखिए ये जो है दे कैन क्लीव proteins linking cell membrane and white line membrane, ऐसे प्रोटीन जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन और वाइट लाइन मेम्ब्रेन को लिंक करके रखा है बीच में, उसको ये ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा दे कैन क्लिप ऑफ बिंडिन प्रोटीन, याद है तो बिंडिन प्रोटीन कहां प्रेजेंट था, सॉरी दे कैन क्लिप ऑफ बिंडिंग रिसेप्टर, बिंडिंग प्रोटीन तो एक्रोसोम पे प्रेजेंट था ना, बिंडिंग रिसेप्टर एग पे था, तो दे कैन क्लिप ऑफ बिंडिंग रिसेप्टर जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था EBR1। अब सोचिए ये जो एंजाइम है ये क्या कर रहे हैं, ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है एग का उसे चेंज करने में लगे हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है ये उसे भी रिमूव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो प्रोटीएजेस हैं ये और क्या करती हैं, एनी आइडिया, ये उस स्पर्म को भी रिमूव कर देती हैं, दैट इज क्या हो गया, रिमूव स्पर्म विच आर अटैच्ड
टू एग, ये वो स्पर्म नहीं है जो फर्टिलाइज करेंगे, ये वो स्पर्म है जो एक्स्ट्रा तरीके से अटैच थे। तो इसी तरीके से जो ये सेरीन प्रोटीज हैं ये बहुत मल्टीपल तरीके से काम करती हैं, और इतने ही नहीं इनके एक्शन के तरीके और भी होते हैं जिससे कि ये जो यहाँ बाहर की तरफ जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन बना है उसकी भी एक तरीके से जो नेचर होता है, जो फंक्शन होता है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है, उसे भी ये चेंज करते हैं। लेकिन सेरीन प्रोटीज के ये तीनों फंक्शन हो सकते हैं जिससे कि एग की पूरी कायापलट ही हो जाएगी। अब आप सोचिए कोई बिंडिन रिसेप्टर नहीं है, अब कितना भी स्पर्म वहां आ जाए क्या इस एग से बाइंड कर पाएगा? कभी बाइंड नहीं कर पाएगा, राइट? इस एग से वो कभी बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि इससे बाइंड करने के लिए जो रिसेप्टर चाहिए उस रिसेप्टर्स को हटा दिया गया है। किसके द्वारा? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में प्रेजेंट एंजाइम्स के द्वारा। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो रहा होगा। और ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल होते हैं इनका अच्छा खासा नंबर होता है, लगभग ये 15,000 से भी ज्यादा जो है आपको देखने को मिल सकते हैं एक एग के अंदर। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे जो ये अपना कंटेंट रिलीज कर रहे हैं ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? ये एग्जोसाइटोसिस कर रहे हैं अपने कंटेंट का, एंड दे आर गेटिंग फ्यूज्ड विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एग। यस, अब जरा सा हम यहाँ पे सीक्वेंस को समझ लेते हैं, मतलब कि हो क्या रहा है। ठीक है, पहला हमने केस क्या देखा कि जो सेरीन प्रोटीज है, सेरीन प्रोटीज ये कर क्या रहा है? सबसे पहले इट क्लीव्स लिंकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, इनके बीच के लिंकिंग को खत्म कर दे रहा है इनके बीच के प्रोटीन को डिग्रेड करके। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिलीजेज म्यूकोपॉलीसेकेराइड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का जो सिक्रीशन है वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से होता है। ये क्या करता है? जिस भी एरिया में ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है वहां पे क्या करता है? वहां पे ये क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स ऑस्मोटिक ग्रेडियंट करके क्या करेगा? म्यूकोपॉलीसेक्राइड एक जगह पे जहां पे ये ज्यादा है, मतलब म्यूकोपॉलीसेक्राइड की यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे वाटर की क्वांटिटी कम होगी कंपेयर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो जहां पे ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वहां पे वाटर की कमी है लेकिन उसके अपोजिट साइड में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आपको पता है कि वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में मूव करता है, राइट? जिसकी वजह से क्या होता है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्योंकि वहां पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट से अंदर आने लगता है। यानी जो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट था व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वो जो स्पेस है वो वाटर से फिल होने लगता है, एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी दी एंट्री ऑफ वाटर बिटवीन दी स्पेस ऑफ व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हर एक प्रोसेस का जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है। ये एक तरीके से आगे चल के ये एक स्टिफ लेयर बनाने की तैयारी हो रही है कि एग के चारों तरफ एक ऐसी लेयर बन जाए जो कि अब किसी भी स्पर्म के द्वारा जो है हाईजैक ना किया जा सके और पॉलीस्पर्मी ना हो। यस, ठीक है, ये रहा सेकेंड केस। उसके बाद क्या केस होता है? और भी बहुत से एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से रिलीज होते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं एक्चुअल में, एक तरीके का रेस्पिरेटरी बर्स्ट करवाते हैं। अदर एंजाइम्स causes the formation of H2O2, that is hydrogen peroxide, by using O2.
O2 का इस्तेमाल करके जो है H2O2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको हम रेस्पिरेटरी बर्स्ट भी कहते हैं, यानी एक्चुअल में जब H2O2 बन रहा है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो यहाँ पे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ केस क्या होता है, फोर्थ केस होता है हायालिन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हायालिन के फॉर्मेशन से क्या होता है, हाँ जी एनी आइडिया, जी बिल्कुल। हायालिन के प्रोडक्शन से क्या होता है, जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल हायालिन को रिलीज करता है तो हायालिन एक लेयर बना लेता है, ठीक है। वो लेयर एक्चुअल में क्या करता है, वो एक्चुअल में सपोर्ट करता है, जब आगे चल के ब्लास्टोमियर्स बने, क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एग हो चुका है, आगे चल के जो है ये डिवाइड करेगा और भी ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, तो उस टाइम पे ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये जो चार इवेंट है, ये अलग अलग इवेंट क्या करते हैं, स्लो ब्लॉक को सपोर्ट करते हैं। ये तुरंत स्लो ब्लॉक नहीं हो रहा, इतना सब कुछ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे केस क्या हो रहा है कि जब ये यहाँ पे H2O2 बनता है तो यहाँ पे जो यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑलरेडी प्रेजेंट थी, राइट, वो जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी वो क्या करती है, वो फर्टिलाइजेशन एनवलप में बदल जाती है। अब एक बार अगर वो फर्टिलाइजेशन एनवलप में बदल गई तब वो उस पर आके और कोई स्पर्म अटैच नहीं हो सकता है। तो जब ये केस हो रहा होता है तो उसी टाइम पे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवलप देखने को मिलता है। अब इसके बाद कोई स्पर्म यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, कैसे अटैच होगा, सब चीज तो हटा दी गई है, विंडिन रिसेप्टर हटा दिया गया है, इसके अलावा लिंकिंग हटा दी गई है, जो व्हाइट लैंड मेम्ब्रेन था वो वाले एरिया को कन्वर्ट करके उसको, उसका पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है उसे कन्वर्ट करके फर्टिलाइजेशन एनवलप में कन्वर्ट कर दिया गया है, हायालिन की एक लेयर वहां पे फॉर्म हो गई है। तो अब दूसरे स्पर्म को एंट्री कहां से मिलेगी, एंड फाइनली इस तरीके से जो है स्लो ब्लॉक सक्सेसफुल होता है। यस क्लियर है ये, अब ये तो हो गई ओवरऑल सीक्वेंस कि ये काम कैसे हुआ। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि हमने कहा था कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है, कहाँ पे कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जो आप केस देख रहे हैं ये तब का केस है, देखिए ये रहा बिंडिन, यानी ये जो चीज है ये क्या है, ये है स्पर्म, और ये जिसपे आके बाइंड हुआ है ये है एग, राइट। अब आप अगर ध्यान से देखें तो स्पर्म जब अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो यहाँ पे एक काइनेज का सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पे बोला है टायरोसिन काइनेज का एक्टिवेशन। तो जब स्पर्म का बिंडिन एग के EVR1 से बाइंड करता है तो उस टाइम पे बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, उसी में एक और सिग्नलिंग होता है जिसमें कि काइनेज का एक्टिवेशन होता है, टायरोसिन काइनेज का एक्टिवेशन होता है। वो टायरोसिन काइनेज क्या कर रहा है, वो टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट कर रहा है किसको, PLC एंजाइम को, फॉस्फोलाइपेस सी एंजाइम को। ये फॉस्फोलाइपेस सी क्या कर रहा है, कल ही आपको बताया था, ये फॉस्फोलाइपेस सी का काम होता है कि जो मेम्ब्रेन लिपिड है PIP2 इसको जो है क्लीव करके कन्वर्ट किया जाए डैग में और IP3 में। डैग हाइड्रोफोबिक होता है इसलिए ये मेम्ब्रेन में ही रह जाता है, राइट। लेकिन IP3 क्या करता है, IP3 साइटोसोलिक एरिया में आ जाता है और वो वहां पे क्या करता है, आप देख सकते हैं ये रहा ER, ER के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, IP3 रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, ये अपने रिसेप्टर से आके बाइंड करता है, यानी जो ये IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल है उस चैनल की ओपनिंग होती है। तो ये क्या करता है, दैट इज कैल्शियम चैनल की ओपनिंग करवाता है और इस तरीके से कैल्शियम का
रिलीज होता है। ये कैल्शियम का रिलीज बहुत सा फंक्शन करता है, उसमें वन ऑफ द फंक्शन होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का एक्टिवेशन करवाना। और जब ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का एक्टिवेशन होता है तो दिस विल रिजल्ट इनटू पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन। इसी वजह से इस स्लो ब्लॉक को, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन किसका पार्ट है, दैट इज स्लो ब्लॉक का पार्ट है, स्लो ब्लॉक। कैल्शियम का रिलीज जो है ये एग का एक्टिवेशन भी करवाता है, एग का एक्टिवेशन भी करवाता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन भी करवाता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन होता है तो स्लो ब्लॉक होता है, स्लो ब्लॉक होता है तो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होता है। ये सब कुछ काम करने में जो है कुछ सेकंड का टाइम लग जाता है, इसलिए जब तक ये काम कैरी ऑन हो उससे पहले फास्ट ब्लॉक को एक्टिवेट करवा दिया जाता है, और तब जाकर जो है यहाँ पर फाइनल जो ब्लॉकेज होता है वो कर लिया जाता है और पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाती है। अगर मान लीजिए पॉलीस्पर्मी होने दिया गया तब क्या होगा, तो ऑब्वियसली लेथल कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। बताइए क्लियर हो गया ये? तो IP3 कहां पे बन रहा है? IP3 बन रहा है जहां पे स्पर्म और एग का एक तरीके से बाइंड हो रहा है, उसी साइट पे, उसी आसपास के साइट पे जो है IP3 का फॉर्मेशन हो रहा है एट द साइट ऑफ बाइंडिंग, एंड तब जाकर ये रिएक्शन फर्दर कैरी ऑन होता है। यहाँ पे बहुत से कैल्शियम को रिलीज करवाया जाता है, ER से कैल्शियम रिलीज होता है, कहीं और पे जो कैल्शियम स्टोर होते हैं उनको रिलीज किया जाता है, उन सबको फंक्शन पे लगाया जाता है कि जाओ काम करो। वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का एक्टिवेशन करवाते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल को मेम्ब्रेन में फ्यूज करने में मदद करते हैं, एक्सोसाइटोसिस होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का, इतने सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, तब जाके पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन होता है। अब अगर आप इसी प्रोसेस को रोक दोगे तो आप पॉलीस्पर्मी को रोक दोगे फिर। क्लियर? तो ये जो पूरा कैल्शियम का रिलीज है ना, मतलब कि ये जो पूरा हम कैस्केड देख रहे हैं कि बहुत सारा कैल्शियम रिलीज हो रहा है, ये लगभग जो है 30 सेकेंड्स का टाइमिंग ले लेता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि क्यों हम कहते हैं कि जो स्लो ब्लॉक है वो लगभग जो है 20 सेकेंड्स के बाद शुरू होगा, क्योंकि लगभग वही 25 से 30 सेकेंड्स का टाइम तो कैल्शियम ले ले रहा है फुली तरीके से रिलीज होकर चीजों को एक्टिवेट करने में, इसीलिए ये तुरंत एक्टिवेट नहीं हो सकता, एंड दैट इज वाई इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्लो ब्लॉक। लेकिन सब चीजें कनेक्टेड हैं, राइट? अब जैसे कि कल हमने जो क्वेश्चन किया उसमें डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया था कि IP3 क्या करता है, तो ये इसी से पूछ लिया गया था कि IP3 क्या कर रहा है, कैल्शियम चैनल की ओपनिंग करवा रहा है ऑन ER। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को ये? तो यहां पे कैल्शियम दो काम कर रहा है, एग का एक्टिवेशन भी करवा रहा है, स्लो ब्लॉक में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है ये भी आप लोगों ने देख लिया। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। चलो यही पूछ लेते हैं, ठीक है? कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आपके सामने रख रही हूं, आप मुझे आंसर देना। देखती हूँ कौन बच्चा कितने ध्यान से सुन रहा था। एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, एग है विथ +20 mV मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और मैंने इसको स्पर्म दे दिया है, मुझे बताइए फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। संदीप जी, अब आपके पोल का समाचार तो हमें YouTube के पास पहुंचाना पड़ेगा, YouTube ने पोल का ऑप्शन नहीं दिया है।
मैंने पूछा है फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कुछ बच्चे पॉलीस्पर्मी के फॉर्म में आंसर दे रहे हैं। मैंने तो अनफर्टिलाइज्ड एग रखा है ना, पॉलीस्पर्मी में कहां पहुंच गए, यहां तो डिजायरेबल फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस 20 mV है, ऐसे केस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दैट इज नो फर्टिलाइजेशन। राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर मैंने एक सक्सेसफुल फर्टिलाइज्ड एग लिया है, फर्टिलाइज्ड नॉर्मल एग लिया है, नॉर्मल एग, इसके साथ जो है मैंने वेरी लो सोडियम आयन कंसंट्रेशन रखा है, मुझे बताएंगे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ द पॉलीस्पर्मी। ये जो लो अमाउंट है दैट इज नेग्लिजिबल। ना के बराबर है। इस केस में क्या हो जाएगा, पॉलीस्पर्मी होगा, पॉलीस्पर्मी अगर, ठीक है। थर्ड, इफ देयर इज नॉन फंक्शनल कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल नॉन फंक्शनल है, तब क्या होगा, जी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल अगर नॉन फंक्शनल हो गया तो क्या हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, यानी ऑफकोर्स पॉलीस्पर्मी देखने को मिलेगा, पॉलीस्पर्मी यानी मल्टीपल स्पर्म जो हैं आकर एग से बाइंड कर जाएंगे। राइट, यस, उम्मीद करती हूँ ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो आप कुछ सवाल देख लेते हैं, क्या है, कैसे पूछा गया है और कितने बच्चे जो हैं उस सवाल का जवाब दे पाते हैं। चलो, पहला सवाल है 2017 से, सेशन पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ओके, काफी सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं, ओके, सबका आंसर सेम टू सेम ही आया है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब जिस बच्चे ने क्लास में ध्यान से सुना होगा उसको पता है ये क्वेश्चन पूरा हलवा है, एकदम इजी पीजी टाइप वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन ऑफ स्पर्म बिंडिन विद द रिसेप्टर EBR1 जो कि 350 kDa का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्रेजेंट है एग के व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन पे। द प्लॉट गिवन बिलो शोज द स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड लेवल ऑफ EBR1 सोडियम पोटेशियम इन एन अनफर्टिलाइज्ड एग।
यहाँ जो स्टेटस दे के रखा है ना वो क्या है, वो है अनफर्टिलाइज्ड एग का स्टेटस, जिसमें आपको ये चीज पता चल रही है ये खाली वाला है EBR1, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रिसेप्टर। सोडियम का कंसंट्रेशन देखिए कितना कम है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव है। पोटेशियम का कंसंट्रेशन देखिए इतना है, ठीक है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे है, मतलब कि ये -70 mV है। ऐसा ही कुछ ग्राफ अभी अभी जस्ट हमने देखा था। आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द कंडीशन विद इन अ एग 1 to 3 seconds आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी 1 से 2 seconds के बाद, फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसके 1 से 2 seconds के बाद क्या होगा, क्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। पहला ग्राफ में अगर देखते हैं तो बोला गया है कि पहले ये वाला पॉइंट जो है -70 mV का है, लेकिन देखिए ये -70 mV का है, यहाँ पे ये +20 mV पे पहुंचा है, लेकिन ये इसके बाद भी बढ़ा है। इसके बाद क्यों बढ़ेगा, मतलब लगभग +30 तक भी गया है ये। मैं आगे का ड्रॉइंग देखूंगी ही नहीं, मुझे ये वाला ग्राफ ही गड़बड़ लग रहा है, मैं इसी को हटा दूंगी सबसे पहले, ठीक है। सेकेंड देखिए, यहाँ पे अगर मैं ग्राफ देखती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये है -70 mV, ठीक है, ये यहाँ पे गया है जो कि लग रहा है +20 mV आफ्टर 1 to 2 seconds, ठीक है, ये भी सही लग रहा है, यानी ये ग्राफ सही है। अब मुझे देखना पड़ेगा अदर ग्राफ को जो कि रिसेप्टर सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन के लिए दिया गया है। तो बोला है कि जो रिसेप्टर है EBR1, इसका कंसंट्रेशन इतना ही रहेगा, हाँ उसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक तो उसको क्लिप ऑफ नहीं किया गया ना, हटाया नहीं गया है, क्योंकि वो तो स्लो ब्लॉक में किया जाता है, ये तो फास्ट ब्लॉक है। नेक्स्ट है सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा है। देखिए सोडियम आयन का कंसंट्रेशन लगभग इतना बढ़ना चाहिए जितने में ये +20 mV का कंसंट्रेशन करवा सके, राइट, यानी लगभग कुछ तो हाई रहना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये बहुत मॉडरेट है। लेकिन चलो फिर भी हम इसको होल्ड पे रख देते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है वो अचानक से इतना जंप कैसे कर गया, हमने तो कहा था कि पोटेशियम आयन में कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है, उसके साथ तो कुछ छेड़खानी ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हुआ है, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये ग्राफ भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर -70 mV, ठीक है, यहाँ पे देखिए +20 mV, ठीक है, यहाँ पर EBR1 इतना हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है, रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन हाई है, होना भी चाहिए, क्योंकि सोडियम आयन बहुत सारा अंदर एंट्री लेता है। पोटेशियम का कंसंट्रेशन उतना ही है जितना अनफर्टिलाइज एग में था, बिल्कुल इतना ही होना चाहिए, यानी एकदम आइडियल तरीके से हम जो है ग्राफ 3 के साथ एग्री हो सकते हैं। ग्राफ 4 के साथ जो है आप देखिए इसका यही वाला ग्राफ ही ब्लंडर कर दिया इन्होंने, आगे क्या ही पढ़ना, गलत, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ओके मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ऐसे पता नहीं। चलिए मैं बता दूं, वैसे CSIR ने इसका आंसर जो है वो दिया है एस्ट्रिकॉट, मतलब कि स्टार, स्टार बोले तो आपने जो ऑप्शन सही किया हो वो ऑप्शन में हम आपको मार्क्स दे देंगे, बट ये तो भाई कहते हैं ना डिफेंस प्ले वाला काम हो गया CSIR के द्वारा, बट हमें देखना पड़ेगा कि ये स्टार मार्क क्यों किया गया, ठीक है, क्योंकि इसका
जो आंसर की है उसमें कुछ और आंसर दे के रखा है जो कि सूटेबल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, कुछ फर्टिलाइजेशन इवेंट मेंशन है जो कि सीआरसी में बताए गए थे, आपको बताना है कौन सा, विच इज नॉट ट्रू, यानी आपको इनकरेक्ट पिक करना है, इनकरेक्ट पिक करना है। पहला है देखिए, रीसेट और स्पीरेटर पेप्टाइड रिलीज फ्रॉम द एग्जेली एंड हेल्प इन द स्पर्म अट्रैक्शन, एकदम सत्य वचन बोला, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट, बिंडिन विच इज एन एक्रोजोमल प्रोटीन, सही है, इंटरैक्ट इन अ स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर विद द एग, ये भी एकदम सही है, सत्य वचन, कल सब कुछ हमने पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट देखिए, अ रेस्पिरेटरी बर्स्ट अकर ड्यूरिंग द क्रॉस लिंकिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवेलप, ओके, वेयर अ कैल्शियम डिपेंडेंट इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल इज ऑब्जॉर्व। अब भाई इसको तो यूज किया जा रहा है ना, तो ये तो डिक्रीज होना चाहिए, तो ये जो सी स्टेटमेंट है ये क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, IP3 विच इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री, ठीक है बनता है भाई, सीक्वेस्टर्स कैल्शियम लीडिंग टू द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस। सीक्वेस्टर का आपको मतलब पता है क्या होता है, किसी चीज को छुपा देना। IP3 क्या कैल्शियम को छुपाने का काम कर रहा है? हाँ जी, IP3 कैल्शियम को छुपा थोड़ी रहा है, वो तो उसको बाहर निकाल रहा है, राइट। तो ये सीक्वेस्टर नहीं कर रहा, ये सीक्वेस्टर कैल्शियम को बाहर निकाला जा रहा है, और जो कैल्शियम फिर बच जाते हैं किसी काम के नहीं रहते हैं, मतलब कि अब उनका काम खत्म हो गया, उनको बोला जाता है कि भाई जाओ वापस से सिक्वेस्टर हो जाओ। लेकिन IP3 जब रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री, तो उस टाइम पे क्या करता है, उस टाइम पे वो सिक्वेस्टर जो कैल्शियम होते हैं उनको रिलीज करवाता है। तो ये सिक्वेस्टरिंग को मतलब करवाता नहीं है, छुपाता नहीं है, छुपे हुए कैल्शियम को रिलीज करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक वर्ड होना चाहिए था, IP3 विच इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ द स्पर्म एंट्री, यहाँ पे एक वर्ड हो जाता ना, रिलीज्ड सिक्वेस्टर कैल्शियम लीडिंग टू दी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस, तब ये स्टेटमेंट सही होता। तो ये रिलीज वर्ड ना ऐड करके इन्होंने पूरा कहते ना अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो देखा जाए ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है वो है सी एंड डी ऑप्शन, जो कि इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं, इसलिए इनको यहाँ पे एस्ट्रिकॉट मार्क करना, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो चलो अगला सवाल, ये आज का आखिरी सवाल है, ठीक ओके, चलिए मैक्सिम बच्चों का मुझे लग रहा है रिप्लाई आ गया, देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। बोला है द पॉलीस्पर्मी रिजल्ट व्हेन टू और मोर स्पर्म फर्टिलाइज एन एग, इट इज यूजुअली लेथल सिंस इट रिजल्ट इन ब्लास्टोमियर विद द डिफरेंट नंबर एंड द टाइप ऑफ क्रोमोजोम, मैनी स्पीसीज देयर फोर हैव टू ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्मी, द फास्ट ब्लॉक एंड द स्लो ब्लॉक, ठीक है, दो यहाँ पे ब्लॉक देखा जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट। पहला, द फास्ट ब्लॉक इज अ इमीडिएट
and cause the egg resting potential to rise, which does not allow sperm to fuse with the egg and is mediated by influx of sodium ion. क्या बात है, एकदम सही स्टेटमेंट बोला है. नेक्स्ट, द फास्ट ब्लॉक इज इमीडिएट एंड कॉज द एग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल टू राइज विच डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू फ्यूज विद द एग एंड इज मीडिएटेड बाय द इफ्लक्स. इफ्लक्स का मतलब होता है बाहर निकालना, इनफ्लक्स का होता है सेल के अंदर लेकर आना. तो सोडियम का इफ्लक्स तो नहीं होता ना, इनफ्लक्स होता है. ए सही हो गया, बी गलत हो गया. नेक्स्ट देखिए, द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय द कैल्शियम आयन. बिल्कुल सही, अभी अभी हमने पूरा पाथवे देखा. नेक्स्ट, द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय द पोटेशियम आयन. गलत. तो हमारा ए भी सही हो गया, सी भी सही हो गया. सो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर? तो इसके साथ जो है हमारा ये जो पोर्शन था दैट इज फॉर पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन इन सी आर्चिन वो कंप्लीट हो जाता है. कल 3 PM पे मैं ड्रोसोफिला का एक्सेस डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी. ठीक है, एक्सेस डेवलपमेंट. इन ड्रोसोफिला सारे म्यूटेशन केसेस के साथ, क्योंकि म्यूटेशन केसेस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. 3 PM पे कल लाइव आएगी क्लास. क्लास शेड्यूल नहीं किया है, रात तक शेड्यूल कर दूंगी. ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा. नेक्स्ट यूनिट हम डील करेंगे इकोलॉजी. चलिए, तो फिर मिलना होगा ये PDF दोनों, कल का और आज का दोनों कंबाइन करके मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर में. ओके एवरीवन, चलो हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो एट 3 PM आफ्टरनून में.